का जो आदेश हुआ है उसके अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 25 लाख रुपए का चेक है पीड़िता की मदद को दिया जाना था। वही चेक जिला उन्नाव से आज यहाँ लखनऊ जनपद से प्राप्त हुआ था और थोड़ी देर पहले ही जो चेक प्राप्त हुआ है उसको आज ही श्रीमती आशा सिंह जो पीड़िता की मदर हैं उनको रिसीव करवा दिया गया है। और इस प्रकार जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी कि कब तक उनको उपलब्ध करा दिया जाए उसका कंप्लायंस एक दिन पहले आज ही करा दिया गया। ये चेक है उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा जनपद उन्नाव को सुप्रीम किया गया था और जनपद उन्नाव के द्वारा रिक्वेस्ट की गई थी कि लखनऊ के अधिकारी क्योंकि यहाँ हैं तो उनके द्वारा उपलब्ध करा दिया जाए। तो समय को बचाते हुए हम लोगों ने उन्नाव से खुद ही चेक प्राप्त कर लिया है और इसको उपलब्ध करा दिया है। इस प्रकार जो लोकल सुप्रीम कोर्ट की जो कंप्लायंस है वो यहाँ पे कर दी गई। सर, पीड़िता ने किसी प्रकार की कोई दिक्कत बताई आपसे जब आप मिले थे उनसे या उन्होंने बताया कि किस तरीके से? पीड़िता का जो परिवार है और उनके जो मदर हैं उनकी जो सिस्टर्स हैं उनके रहने की भी यहाँ पे व्यवस्था एक प्राइवेट बाज में करवा दी गई है। और यहाँ पे चूँकि पहले जो व्यवस्था थी नीचे जो रूम था उसमें थोड़ी कन्वीनियंस थी तो उसके हिसाब से ऊपर उनकी व्यवस्था करा दी गई है। अटैच टॉयलेट बाथरूम में सब लोग रह रहे हैं, उनके नाश्ते पानी की व्यवस्था कराई जा रही है। जो निःशुल्क इलाज है उसके गाइडलाइन पहले ही यूनिवर्सिटी को दिए जा चुके हैं। यूनिवर्सिटी के द्वारा भी कल इसमें पहला हमको डिमांड भेजा जाएगा कि कितना खर्च अब तक हो चुका है उसका रिइंबर्समेंट कराया जाएगा। ये भी KGMU को निर्देशित कर दिया गया है कि इसमें अगर परिवार का भी कुछ पैसा खर्च हुआ है तो वो भी उसे प्राप्त कर लिया जाए और उसको भी अपने बिल में शामिल करा के परिवार को रिइंबर्स करवा दिया जाए। अब जो दोनों यहाँ पे भर्ती हैं मरीज उनकी हालत में सुधार भी है और डॉक्टर्स के द्वारा जो केयर की जा रही है उसका रिजल्ट भी आना शामिल हुआ।